हेलो फ्रेंड्स, संडे स्टूडेंट क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्बल्स बीपी 8068 के इस वीडियो में हम लोग यूनिट सेकंड और थर्ड के 33 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महमताप सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है उस पे आते हैं। दैट इज द क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज द GACP? GACP की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा गुड एग्रीकल्चर एंड कलेक्शन प्रैक्टिस। दूसरा ऑप्शन है हमारा जनरल एग्रीकल्चर एंड कलेक्शन प्रोसेस। तीसरा ऑप्शन है हमारा गुड एग्रीकल्चर एंड कल्टिवेशन प्रोसेस। और अंतिम ऑप्शन है हमारा गुड एग्रीकल्चर एंड कल्टिवेशन प्रैक्टिस। तो अगर हम बात करते हैं कि इसमें से एक तरह से कौन सा हमारा GACP की फुल फॉर्म है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द ए, गुड एग्रीकल्चर एंड कलेक्शन प्रैक्टिस को हम लोग GACP कहते हैं। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हाट इज GAP? GAP की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्शंस देख लेते हैं। जनरल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। दूसरा ऑप्शन है ग्रीन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। तीसरा ऑप्शन है गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। और अंतिम ऑप्शन है हमारा गुड एयर प्रॉपर्टी। तो अगर हम GAP के फुल फॉर्म के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द सी, गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस को हम लोग GAP से इंडिकेट करते हैं। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इन इंडिया विच वो शेड्यूल कवर्स द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर द मैन्युफैक्चर एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा शेड्यूल M, दूसरा ऑप्शन है हमारा शेड्यूल T, तीसरा ऑप्शन है शेड्यूल Y और अंतिम ऑप्शन है शेड्यूल N। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द बी, वो शेड्यूल T में हमारा एक तरह से आता है जो हमारे आयुर्वेदिक मेडिसिन होते हैं वो सिद्धा मेडिसिन होते हैं, और जो हमारे यूनानी ड्रग्स होते हैं वो हमारे शेड्यूल T के अंतर्गत आते हैं हमारे GMP में। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। विच इज द कंटेंट ऑफ गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस? इनमें से हमारे गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस का GAP का कंटेंट है। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा सीड्स एंड प्रोपोगेशन मटेरियल। दूसरा ऑप्शन है क्रॉप मैनेजमेंट फॉर कल्टीवेशन। तीसरा ऑप्शन है हार्वेस्ट एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। और अंतिम ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो अगर हम बात करते हैं अपने GAP के कंटेंट के बारे में, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द डी, ऑल। ये सब हमारे GAP के कंटेंट होते हैं। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। द WHO फॉर सप्लीमेंट्री गाइडलाइन फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट वॉज इशूड इन। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 1971, दूसरा ऑप्शन है 1980, तीसरा ऑप्शन है 1996 और अंतिम ऑप्शन है 2000। तो यहाँ पे भी हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द सी, 1996 में जो हमारे होते हैं WHO का वो सप्लीमेंट गाइडलाइन आई थी फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट को इशू किया गया था 1996 में। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। The application of the CGMPs in the manufacture of the herbal product help to assure. Options देख लेते हैं। पहला option है हमारा quality, दूसरा option है quantity, तीसरा option है production और अंतिम option है none. तो अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, तो यहाँ पे हमारा correct answer होगा that is the A, quality, जो हमारा एक तरह से वो CGMP है, वो current good manufacturing वो practices होता है, तो उसका जो application है वो ये होता है कि जो भी हमारा product है वो एक quality का product हो, ये quality को अश्योर करता है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। द फॉलोइंग विच इज ऑब्लिक आर आर द कंपोनेंट ऑफ द CGMP फॉर द हर्बल प्रोडक्शन। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला है ट्रेनिंग, दूसरा है हमारा पर्सनल, तीसरा है प्रमाइसिस और अंतिम ऑप्शन है ऑल। तो इस प्लेस पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द डी, ऑल। तो जो हमारी होती है ट्रेनिंग होती है, जो हमारे होते हैं पर्सनल और जो हमारी प्रमाइसिस है, वो हमारे CGMP का कंपोनेंट होते हैं हमारे हर्बल प्रोडक्ट में। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। द गुड एग्रीकल्चर एंड कलेक्शन प्रैक्टिस फॉर द मेडिसिनल प्लांट गाइडलाइंस सेट बाय द WHO इन। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 2001, दूसरा ऑप्शन है 2002, तीसरा ऑप्शन है 2003 और अंतिम ऑप्शन है 2004। तो अगर हम एक तरह से बात करते हैं अबाउट द GACP के बारे में, तो इसको एक तरह से इसकी जो हमारी गाइडलाइन है वो हमारे WHO ने कब इशू की थी, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द सी,
2003 में CAGACP की गाइडलाइन WHO के द्वारा इशू की गई थी। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द इनकमिंग फ्रेश हर्बल मटेरियल शुड बी स्टोर्ड है। जो हमारे फ्रेश हर्बल मटेरियल होते हैं उसको हम लोग किस टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा ऑप्शन है बिलो 8 डिग्री सेंटीग्रेड, तीसरा ऑप्शन है हमारा एट रूम टेम्परेचर और अंतिम ऑप्शन है नन। तो अगर हम बात करते हैं जो हमारे फ्रेश हर्ब्स होते हैं उनको हम लोग 8 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं। तो यहां पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द बी, बिलो 8 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द फॉलोइंग आर द सर्टिफाइंग एजेंसी फॉर द GMP मेडिसिनल प्रोडक्ट एक्सेप्ट। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला है हमारा ICH, दूसरा है ISA, तीसरा है WHO और अंतिम है USFDA। तो अगर हम बात करते हैं इनमें से वो कौन सी एजेंसी है जो कि हमारे जो होते हैं मेडिसिनल वो प्रोडक्ट होते हैं उनको सर्टिफाई नहीं करती है या उनकी जो है सर्टिफाइंग एजेंसी नहीं होती है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द बी, ISA जो है हमारी एक तरह से सर्टिफाइंग एजेंसी वो नहीं होती है। ISH भी होता है, WHO भी होता है और USFDA भी होता है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द प्रोडक्ट कंटेनिंग डिफरेंट प्लांट मटेरियल आर कॉल्ड मिक्सचर हर्बल प्रोडक्ट। क्या ये सेंटेंस सही है कि गलत है? तो अगर हम बात करते हैं कि जो हमारे हर्बल प्रोडक्ट होते हैं अगर उनके अंदर वो डिफरेंट प्लांट मटेरियल होते हैं तो उनको हम लोग मिक्सचर हर्बल प्रोडक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द ए, ट्रू। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच इज द पैरामीटर फॉर द क्वालिटी कंट्रोल ऑफ हर्बल ड्रग। इनमें से वो एक तरह से कौन सा मेथड है जिसको हम लोग यूज करते हैं अपने ड्रग की हर्बल ड्रग की क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा मैक्रो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, दूसरा ऑप्शन है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ एस वैल्यू, तीसरा ऑप्शन है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ हैवी मेटल और हमारा चौथा ऑप्शन है डिटर्मिनेशन ऑफ द पेस्टिसाइड रेसिड्यू और अंतिम ऑप्शन है ऑल। तो अगर हम बात करते हैं कि इनमें से जो हमारा हर्बल ड्रग होता है उसकी एक तरह से क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए हमारा कौन सा पैरामीटर है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होता है दैट इज द ई, ऑल। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच इज द लाइसेंसिंग अथॉरिटी फॉर द इम्पोर्टर होलसेलर मैन्युफैक्चरर फॉर हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटी, दूसरा ऑप्शन है हमारा नेशनल ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, तीसरा ऑप्शन है हमारा बोथ ए एंड बी और अंतिम ऑप्शन है नन। तो अगर हम बात करते हैं कि जो हमारे हर्बल ड्रग्स होते हैं उनकी एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग का जो लाइसेंस होता है होलसेल का और उनके इंपोर्ट का जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो इनमें से कौन सी है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द बी, नेशनल ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी हमारी लाइसेंसिंग अथॉरिटी है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द फॉलोइंग मॉडर्न एनालिटिकल टेक्निक्स आर यूज फॉर द करेक्टराइजेशन ऑफ हर्बल वो मेडिसिनल एक्सेप्ट। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा माइक्रोस्कोपी, दूसरा है HPLC, तीसरा है हमारा एटॉमिक एब्जॉर्प्शन और अंतिम ऑप्शन है मास स्पेक्ट्रोमेट्री। तो अगर हम बात करते हैं कि जो हमारे होते हैं मॉडर्न एनालिटिकल टेक्निक हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं अपनी जो हमारी हर्बल मेडिसिन होती हैं उनके कैरेक्टराइजेशन के लिए, तो इनमें से वो कौन सी टेक्निक है जो हमारी मॉडर्न एनालिटिकल टेक्निक नहीं है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द ए, माइक्रोस्कोपी। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन नो वो साइंटिफिक वो पब्लिश्ड आर द डॉक्यूमेंटेड कल्टीवेशन डाटा आर अवेलेबल विच मेथड ऑफ कल्टीवेशन मस्ट बी फॉलोड। अगर कोई हमारे पास एक तरह से वो साइंटिफिक या वो डॉक्यूमेंटेड वो कल्टीवेशन डाटा एक तरह से अवेलेबल नहीं होता है तो कल्टीवेशन के लिए हम कौन से मेथड को यूज करते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला है हमारा ट्रेडिशनल, दूसरा है मॉडर्न, वो तीसरा है बोथ है एंड बी और अंतिम है नन। तो अगर हमारे पास कोई साइंटिफिक डाटा नहीं होता है तो उस कंडीशन में जो हमारी होती है कल्टीवेशन की टेक्निक हम लोग वहां पे जो ट्रेडिशनल जो कल्टीवेशन की टेक्निक है उसको यूज करते हैं। तो यहां पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द ए, ट्रेडिशनल टेक्निक। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द क्लाइमेट कंडीशन लाइक लेंथ ऑफ द डे रेनफॉल एंड टेम्परेचर वो सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस ब्लैंक क्वालिटी ऑफ द हर्बल
प्लांट ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा फिजिकल, दूसरा ऑप्शन है केमिकल, तीसरा ऑप्शन है थेरेप्यूटिकल और अंतिम ऑप्शन है ऑल। तो जो हमारा होता है क्लाइमेट की कंडीशन होती है, जो हमारे एक तरह से वो डे की लेंथ होती है, रेनफॉल का स्टेटस होता है और जो हमारे एरिया का टेम्परेचर होता है, वो हमारी जो एक तरह से हर्बल प्लांट होते हैं उनके एक तरह से फिजिकल क्वालिटी को भी अफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है, केमिकल क्वालिटी को भी इन्फ्लुएंस करता है और उनकी थेरेप्यूटिकल क्वालिटी को भी इन्फ्लुएंस करता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द डी ऑल। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच ड्राइंग इज प्रेफर्ड टू मेंटेन और मिनिमाइज लॉस ऑफ द कलर ऑफ लीफ एंड फ्लावर। इनमें से वो एक तरह से कौन सी हमारी ड्राइंग की टेक्निक है जिसको हम लोग यूज करते हैं जिससे कि जो हमारी लीफ हैं और जो हमारे एक तरह से फ्लावर हैं, जब हम उनको ड्राई करें तो उनके कलर में लॉस न हो या कम से कम हो। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला है हमारा सेट, दूसरा है हमारा माइक्रोवेव, वो तीसरा है हमारा वो लायोफिलाइजेशन और अंतिम ऑप्शन है हमारा ऑल। तो अगर हम बात करते हैं इनमें से वो कौन सी टेक्निक है जिसको हम लोग ड्राइंग के लिए यूज करते हैं जिससे कि जो हमारी लीव और फ्लावर है उनके वो कलर का लॉस कम से कम हो या ना हो, तो वहां पे जो हमारी सेट टेक्निक होती है उसको हम यहाँ पे यूज करते हैं ड्राइंग के लिए। उसको हम लोग एक तरह से छांव में सुखाने का प्रयास करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सेट टेक्निक। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द ICH वाज इंसेप्टेड इन द ईयर। ICH हमारा किस ईयर में इंसेप्टेड हुआ था, आया था। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 1990, दूसरा ऑप्शन है हमारा 1991, तीसरा ऑप्शन है 1992 और अंतिम ऑप्शन है 1993। तो अगर हम बात करते हैं जो हमारा ICH है, जो हमारा होता है एक तरह से इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ हार्मोनाइजेशन या इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ हार्मोनाइजेशन, वो किस ईयर में आया था, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द ए 1990 में ICH इंसेप्ट हुआ था। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द इंसेप्शन ऑफ द ICH टुक प्लेस एट ए मीटिंग होस्टेड बाय द EFPIA इन। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा जिनेवा, दूसरा ऑप्शन है हमारा ब्रुगीज, तीसरा ऑप्शन है हमारा लुक्सेमबर्ग और अंतिम ऑप्शन है हमारा ब्रुसेल्स। तो अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा ICH है, हमारा ICH है वो जो है किस प्लेस पे उसका इंसेप्शन हुआ था, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द बी, जो हमारा है ब्रुसेल्स, वहाँ पे ICH को एक तरह से क्रिएट किया गया था, ICH का वहाँ पे इंसेप्शन हुआ था। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, द कंट्रीज इंक्लूडेड अंडर द ICHR, वो कौन सी कंट्रीज हैं जो कि ICH में स्टार्टिंग में इंक्लूडेड थी। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा यूरोपियन यूनियन, दूसरा ऑप्शन है जापान, तीसरा ऑप्शन है USA और अंतिम ऑप्शन है ऑल। तो इस प्लेस पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द डी ऑल। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, एज पर द ICH गाइडलाइंस द वो सब सेक्शन Q1B डील्स विद। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा फोटो स्टेबिलिटी टेस्टिंग, दूसरा ऑप्शन है स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ न्यू ड्रग एंड प्रोडक्ट, तीसरा ऑप्शन है हमारा इवैल्यूएशन ऑफ स्टेबिलिटी डाटा और अंतिम ऑप्शन है हमारा स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ न्यू डोजेस फॉर्म। तो अगर हम बात करते हैं Q1B के बारे में, ICH की हमारी एक तरह से वो गाइडलाइन जिसको हम लोग Q1B कहते हैं, वो इनमें से किस चीज़ से डील करता है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द ए, फोटो स्टेबिलिटी वो टेस्टिंग हमारे Q1B में इंक्लूड की गई है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, एज पर द ICH गाइडलाइंस द वो सबसेक्शन Q3A डील्स विद। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा जो है मेथोडोलॉजी, दूसरा ऑप्शन है हमारा डेफिनेशन एंड टर्मिनोलॉजी, तीसरा ऑप्शन है हमारा इम्प्योरिटी टेस्टिंग इन न्यू ड्रग और अंतिम ऑप्शन है हमारा इम्प्योरिटी ऑफ द रेजिडुअल सॉल्वेंट। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द Q3A, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द सी, इम्प्योरिटी टेस्टिंग इन वो न्यू ड्रग इंक्लूड किया गया था Q3A में, जो कि हमारे ICH जो गाइडलाइन है उसका एक सब सेक्शन है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ऑल द हर्बल सब्सटेंस पब्लिक हर्बल प्रिपरेशंस आर इसेंशियली डिफाइंड बाय देयर। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा द प्रोडक्शन प्रोसेस, दूसरा ऑप्शन है हमारा स्पेसिफिकेशन, उसके बाद अगला ऑप्शन है बोथ ए एंड बी और अंतिम ऑप्शन है नन। तो अगर हम बात करते हैं कि जो हमारे हर्बल सब्सटेंस होते हैं, हर्बल प्रिपरेशन होते हैं, उनको हम लोग किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, तो यहाँ पे वो किस प्रोसेस से उन
का प्रोडक्शन हुआ है उससे भी हम उसको डिफाइन करते हैं और उसके स्पेसिफिकेशन से भी हम उसको डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द सी बोथ ए एंड बी। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, द हर्बल वो मेडिसिनल प्रोडक्ट कंटेनिंग ए हर्बल वो सब्सटेंस आर द हर्बल वो प्रोडक्ट द वेरिएशन इन द कंटेंट वो ड्यूरिंग द प्रपोज्ड सेल्फ लाइफ शुड नॉट बी एक्सीड प्लस माइनस हाउ मच परसेंट ऑफ द डिक्लेयर्ड असे वैल्यू। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 5 और अंतिम ऑप्शन है 10। तो अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा होता है एक तरह से हर्बल हमारी प्रिपरेशन होती हैं उनकी जो सेल्फ लाइफ होती है वो में अगर अप्रॉक्सीमेटली एक तरह से प्लस माइनस 5% का अगर हमें वेरिएबल देखने को प्राप्त होता है तो वो एक्सेप्टेड होता है जो उसका डिक्लेयर्ड असे होता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज द सी 5%। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, द कंट्रोल टेस्ट ऑन द फिनिश प्रोडक्ट शुड अलाउ ब्लैंक टेस्ट। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा क्वालिटेटिव, दूसरा ऑप्शन है क्वांटिटेटिव, तीसरा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी और अंतिम ऑप्शन है नन। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द कंट्रोल टेस्ट के बारे में जो हमारे होते हैं हर्बल फिनिश प्रोडक्ट होते हैं उनमें हम लोग एक तरह से क्वालिटेटिव टेस्ट भी करते हैं और क्वांटिटेटिव टेस्ट भी हम वहाँ पे परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द सी बोथ ए एंड बी। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, द मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इन द डेवलपिंग कंट्रीज स्टिल रिलाई ऑन द ब्लैंक मेडिसिन टू मीट देयर हेल्थ नीड। ऑप्शन है हमारे, पहला ऑप्शन है हमारा हर्बल, दूसरा ऑप्शन है होम्योपैथी, तीसरा ऑप्शन है यूनानी और अंतिम ऑप्शन है नन। तो अगर हम बात करते हैं कि जो हमारी है डेवलपिंग कंट्री है उसकी जो अधिकतर हमारी पॉपुलेशन है वो हमारे हर्बल ड्रग के ऊपर रिलाई करती है अपनी हेल्थ की मीट को, जो उसकी हेल्थ की नीड है उसको मीट करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द ए हर्बल। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, द रिसर्च ऑन द एनिमल मस्ट बी कैरीड आउट विद रेस्पेक्ट ऑफ देयर वेलफेयर एंड कंसिडरेशन मस्ट बी गिवन टू यूजिंग ब्लैंक लेबोरेटरी मेथड। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा इन विट्रो, दूसरा ऑप्शन है इन विवो, तीसरा ऑप्शन है हमारा बोथ ए एंड बी और अंतिम ऑप्शन है नन। तो अगर हम बात करते हैं कि अगर जो हमारी हर्बल ड्रग होती है उसकी हमें अपने एनिमल के ऊपर टेस्टिंग करने की आवश्यकता होती है तो उससे पहले जो हमारे होते हैं इन विट्रो लेबोरेटरी मेथड होते हैं, जब हमें उससे इस चीज़ का कंसिडरेशन प्राप्त हो जाता है कि जो हमारे एनिमल हैं उनके अंदर वो ज़्यादा हार्म नहीं करेगा तो उसी कंडीशन में हम उनके ऊपर टेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द ए इन विट्रो। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द डाटाबेस डेवलप्ड टू द हर्बल मेडिसिन एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड। इनमें से वो एक तरह से कौन सी कंट्री है जहाँ पे जो हमारे होते हैं हर्बल मेडिसिन होते हैं नेचुरल हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं उनके डाटाबेस को एस्टैब्लिश किया गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है चाइना, दूसरा ऑप्शन है यूएसए, तीसरा ऑप्शन है जापान और अंतिम ऑप्शन है ऑल। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द ऑल। ये हमारी जितनी भी कंट्री है यहाँ पे इसका डाटाबेस जो है डेवलप कर लिया गया है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, विच फार्माको डायनेमिक एंड जनरल फार्माकोलॉजिकल मैथड शुड बी यूटिलाइज दैट क्लोजली रिलेटेड टू द ह्यूमन डिजीज। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है एनिमल मॉडल, दूसरा ऑप्शन है हमारा बायोअसे, तीसरा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी और अंतिम ऑप्शन है नन। तो यहाँ पे अगर हम करेक्ट आंसर के बारे में बात करते हैं तो ये है हमारा दैट इज द सी बोथ ए एंड बी। जो हमारा एनिमल का एक तरह से मॉडल होता है और जो हमारा बायोअसे होता है उसको हम लोग यहाँ पे यूटिलाइज करते हैं। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, द सिस्टमिक टॉक्सिसिटी टेस्ट रिफर्स टू अल्टरेशन ऑफ। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा फिजियोलॉजी, दूसरा ऑप्शन है एनाटॉमी, तीसरा ऑप्शन है हमारा क्लिनिकल केमिस्ट्री और अंतिम ऑप्शन है ऑल। तो अगर हम बात करते हैं सिस्टमिक टॉक्सिसिटी टेस्ट के बारे में तो वहाँ पे हमें जो हमारी होती है फिजियोलॉजी उसमें भी अल्ट्रेशन हम वहाँ पे एक तरह से मेज़र करते हैं, एनाटॉमी में भी अल्ट्रेशन हम वहाँ पे करते हैं मेज़र और हमारे क्लिनिकल केमिस्ट्री में भी अल्ट्रेशन को वहाँ पे हम रिफ़र करते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज़ द डी
ऑल। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। फॉर एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडी एज पर द आईसीएस गाइडलाइंस विद स्टोरेज कंडीशन एज कंट्रोल्ड रूम टेम्परेचर द टेस्ट कंडीशन इज, ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 30% रिलेटिव ह्यूमिडिटी फॉर टू डेज। दूसरा ऑप्शन है 30 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू 30% रिलेटिव ह्यूमिडिटी फॉर सिक्स मंथ। तीसरा ऑप्शन है 40 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 75% रिलेटिव ह्यूमिडिटी फॉर सिक्स मंथ। और अंतिम ऑप्शन है हमारा 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी फॉर 12 डेज। तो जो हमारा होता है एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडी होता है, अगर उसके हम टेस्ट कंडीशन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द बी, 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 30% रिलेटिव ह्यूमिडिटी फॉर सिक्स मंथ पे हम लोग एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडी एज पर द आईसीएस गाइडलाइंस वो करते हैं अपने स्टोरेज कंडीशन की। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। फॉर लोकल टॉक्सिसिटी टेस्ट विच एनिमल इज प्रेफर्ड, जो हमारा लोकल टॉक्सिसिटी टेस्ट होता है उसके लिए हम लोग कौन से एनिमल को प्रेफर करते हैं, ऑप्शंस देख लेते हैं। एल्बिनो रैट, दूसरा ऑप्शन है माइस, तीसरा ऑप्शन है कैट्स और अंतिम ऑप्शन है हमारा ग्वानिया पिग। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द डी, जो हमारे होते हैं ग्वानिया पिग होते हैं उनके उनको हम यहाँ पे प्रेफर करते हैं लोकल टॉक्सिसिटी टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। अब हम लोग अपने अंतिम क्वेश्चन पे आ जाते हैं, हाउ मेनी फेज इन क्लिनिकल ट्रायल, हमारे क्लिनिकल ट्रायल में कितने फेज होते हैं, ऑप्शंस देख लेते हैं। दो फेज, दूसरा ऑप्शन है तीन, तीसरा ऑप्शन है चार और अंतिम ऑप्शन है पांच। तो अगर हम अपने क्लिनिकल ट्रायल के फेजेस के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे चार फेज हमको देखने को प्राप्त होता है, या हमारा जो क्लिनिकल ट्रायल है वो चार फेजेस में होता है। ओके फ्रेंड्स एंड मैडम स्टूडेंट, ये क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपके पास भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है तो अगर आप उनको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे तो वो और स्टूडेंट को हेल्प करेगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।